राइट एड ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किलहैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किलहैलाइड इसमें जो पहला है रिप्लेसमेंट बाय ओएच ग्रुप रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ठीक है एल्किलहैलाइड इज रिएक्टेड विद एक्वस स्टेबल्स और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देन एल्कोहल साथ पाम अगर हम एल्किल हैलाइड पर जो है एक्वस क्यूएच या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं के साथ हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है बताइए एल्कोहल मिलता है क्या मिलता है एल्कोहल ठीक है अगर एल्कोहल आपको बनाना है तो क्या करेगा होगा एल्किल हैलाइड को और एक्वस क्यूएच या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप हीट करिए तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा एल्कोहल ठीक है तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या मतलब है सिल्वर ऑक्साइड के साथ वाटर मिक्स रहेगा ठीक है जैसे आप सिल्वर ऑक्साइड को जो है ओपन खोल दीजिए ओपन रख दीजिए तो इसमें ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर के वाटर को क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो आपका सिल्वर ऑक्साइड होगा वो क्या क्या होगा उसमें थोड़ा नमी होगी ठीक है जिससे हम क्या कहेंगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहेंगे और इसमें सिल्वर ऑक्साइड है वाटर ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं सिल्वर ऑक्साइड बना देते हैं क्या बना देते हैं सिल्वर ऑक्साइड चलिए ये दोनों रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं क्या बना देते हैं सिल्वर ऑक्साइड और वाटर मिलकर के सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जब आप हीट करिएगा ठीक है वैसे नॉर्मल स्टेट में सिल्वर अलग रहेगा और वाटर आपका अलग रहेगा तो देखिए इसमें जब एल्किल हैलाइड जो है एक्वस क्यूएच के साथ हीट किया जाता है तो एल्किल हैलाइड किसे बदल जाता है एल्कोहल में बदल जाता है ठीक है और बोरोमीन किसके साथ चला जाता है पोटेशियम के साथ चला जाता है बोरोमीन किसके साथ चला जाता है पोटेशियम के साथ जैसे आप एथिल ब्रोमाइड लिए हैं एथिल ब्रोमाइड को जो है व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज व्हेन मिक्सचर ऑफ एथिल ब्रोमाइड एंड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड देन इथेनॉल एंड पोटेशियम ब्रोमाइड इज फॉर्मड इथेनॉल और पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है बनता है तो देखिए जब हम एथिल ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एथिल ब्रोमाइड है ये क्या है एथिल ब्रोमाइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ हम हीट करते हैं जब इसको हीट करिएगा तो क्या हो जाएगा मतलब ये जो पोटेशियम है ब्रोमीन और पोटेशियम रिएक्ट कर जाएंगे ब्रोमीन आपका हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ब्रोमीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दोनों आपस में जॉइंट बन जाएंगे और पोटेशियम ब्रोमाइड बना देंगे अब क्या बचता है आपका सीक्वेंस फाइव होता है और ओएच होता है ये दोनों आपस में कंबाइंड बन जाएंगे और क्या बना देंगे सीक्वेंस फाइव ओएच बना देंगे सीक्वेंस फाइव जो कि एथिल एल्कोहल ये क्या चीज है बताओ ये आपका एथिल एल्कोहल है क्या चीज है एथिल एल्कोहल है इससे से आपका एथिल एल्कोहल बन जाएगा रिप्लेसमेंट बाय ओएच ग्रुप
जैसे यहाँ से बोरवेल जब हट जाएगा तो क्या होगा, मतलब कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर क्या होगा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, और हाइड्रोक्सिल आयन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सिल आयन पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है इट हैज टेंडेंसी टू अटैच ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इट हैज टेंडेंसी टू अटैच ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपनी टेंडेंसी रखता है जाने की ओर, और वो क्या कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक कहलाता है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से बना है, मैंने पॉजिटिव टेंडेंसी, पॉजिटिव पार्टिकल की जो टेंडेंसी होगी जिस पार्टिकल के वो आपको क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा, तो केवल क्या चीज़ है वो तो न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि ये पॉजिटिव कार्बन पर जाकर का टेस्ट होगा ना, ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपका रिप्लेसमेंट बाई ओएच ग्रुप क्या कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा है, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव चार्ज को इसमें क्या हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना, बी आप हट जा रहा है उसके प्लेस पर ओ एस आ जा रहा है, और ओ एस किस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर आ रहा है, इसलिए ओ एस को क्या कहा जाएगा न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा आपको बताइए, यहाँ बन जाएगा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड सी एच, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर टू टू या प्रोपेन आर प्रोपेन टू आर, तो इसे क्या प्रोपेन ये हट जाएगा टू आर प्रोपेन टू आर, ठीक है प्रोपेन टू आर हो गया ना, अब उसके बाद देखें तो ये रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी बेस बेड सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी होता है, अगर हम एक हाईलाइट को जो है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ एक करें तभी हमको एक फोन मिलेगा, तभी एक फोन मिलेगा, ये दोनों रिएक्शन लिख दिया है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, रिएक्शन लर्न करने से प्रैक्टिस करने जाता है, ये पूछा जाता है हाउ वी प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एल्किल हाईलाइट, एल्किल हाईलाइट से एल्कोहल कैसे बनाते हैं बताओ, अगर एल्किल हाईलाइट को इक्वस पोटेशियम हाइड्राइड या इक्वस सोडियम हाइड्राइड के साथ हीट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, तो इसके लिए सुटेबल एजेंट इक्वस पोटेशियम हाइड्राइड है, अभी नहीं बनते चलिए, अब उसके बाद जो है ये तो दो रिएक्शन आपके हो गए एल्किल हाइलाइड है और इक्वस क्यूएस के साथ, अब जो है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ दिखाते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, तो कोई भी आप एल्किल क्लोराइड ले लीजिए एल्किल हाइलाइड ले लीजिए उसको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ठीक करिएगा, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो है इसे बदल जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड बदल जाएगा, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो है क्या करेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये आयनाइज होगा एजी प्लस और ओएच माइनस माइनस, तो ओएच माइनस एजी क्या करेगा हाइलाइट एटम हटा देगा और हैलोजन एटम हटा देगा, और ओएच खुद क्या करेगा जहां से हैलोजन एटम हटेगा वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए जैसे कोई एक कंपाउंड ले लीजिए जैसे सी एच थ्री सी एच टू बी आर है, अब इसको क्या करने बचे ए जी टू ओ के साथ ये करेगा तो आपका ए जी टू ओ जो है ए जी टू ओ प्लस ओ एच फॉर्म में एच टू फॉर्म में नहीं मिलेगा, जब आप इसको हिट करिएगा एक इसमें चेंज हो चुका होगा ए जी ओ एच में, ठीक है, ए जी ओ एच में चेंज हो जाएगा ना, तो ए जी ओ एच यहाँ लिखेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, अब सिल्वर इज हाईली पॉजिटिव और मेरी हाईली नेगेटिव ये दोनों आपस में क्या कर देंगे रिएक्ट कर देंगे ना, ठीक है, तो
तो यहाँ पर सिल्वर क्या बताइए, सिल्वर जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को खींच रहा है ना, इसलिए सिल्वर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ना, ठीक है। और OS क्या होगा बताइए, जब बोर्ड में हटेंगे यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, OS पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है, इसलिए OS माइनस क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल ना। ये न्यूक्लियोफाइल जो है क्या होगा, ये कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड ना, ये आपका बन गया इथेनॉल, क्या बन गया आपका इथेनॉल, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड जो भी होगा ना, अब जैसे CH3 CH बनते हैं, CH3 CH ये आप जो है AgOH प्लस माइनस ना, Ag2O प्लस H2 के साथ आप हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सिल्वर क्लोरीन कंपनी खींच लेगा ना, और OH क्या करेगा, इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3OH प्लस AgCl ना, ये हो गया आपका मेथनॉल, मेथनॉल। इस टाइप से बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रो ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप यू कैन ऑब्टेन अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रो एल्केन्स, हाइड्रो एल्केन्स से अल्कोहल फाइंड करने का एक अच्छा मेथड है ना, आप क्या करें हाइड्रो एल्केन को जो है हमने हाइड्रो एल्केन को क्या करेगा, इक्वस QH या फिर माइस सिल्वर ऑक्साइड ऐसा भी करिए तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है। कॉपी कर लिए, अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आ जाए, रिप्लेसमेंट बाय एपॉक्सी ग्रुप OR ग्रुप है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो देखिए रिप्लेसमेंट बाय एपॉक्सी ग्रुप OR ग्रुप, हाँ, तो जब एल्किल हैलाइड को, व्हेन एल्किल हैलाइड इज हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, जब एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कराइएगा है, तब फिर क्या होगा बताओ, हाँ, दोनों सिल्वर आपके बोरोमियम से हट जाएंगे, दोनों सिल्वर जो होंगे बोरोमियम से हट जाएंगे, और उसके प्लेस में क्या जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, मैंने ऑक्सीजन से क्या अटैच होगा, तो दो सिल्वर अटैच ना, ये दोनों सिल्वर क्या होंगे, बोरोमियम से हट जाएंगे, जैसे ये बोरोमियम जो है इस सिल्वर को हटा देगा, ठीक है, ये वाला बोरोमियम क्या करेगा, ये वाला बोरोमियम जो है इस सिल्वर से रिएक्ट कर देगा, ठीक है, इस सिल्वर से, ठीक है। तो अब क्या बचा, बताइए जब सिल्वर यहाँ से हट रहा है तो यहाँ पर कौन आएगा, सिट्रेट पाइप आएगा, कौन आएगा, सिट्रेट पाइप ना, ये वाला जब सिल्वर हट रहा है, ठीक है, ये बोरोमियम, ये सिल्वर इस बोरोमियम को हटा रहा है, तो यहाँ किसको भेजेगा, ये सिट्रेट पाइप को भेजेगा ना, ये सिट्रेट पाइप, तो रिजल्ट क्या होगा बताओ, अब ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी सिल्वर से सेटिस्फाई थी वो एथिल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाएगी, मैंने एथिल ग्रुप से सिट्रेट पाइप से और सिट्रेट पाइप सेटिस्फाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सिट्रेट पाइप सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड सिट्रेट पाइप बन जाएगा, और प्लस टू सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, ये क्या चीज़ है बताओ, ये इथर है, क्या चीज़ है, इथर, इसे क्या कहते हैं, इथर कहते हैं, जब जो है ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी दो एल्किल ग्रुप से अटैच होती है, एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, तो जो कंपाउंड बनता है वो इथर कहलाता है, क्या कहलाता है, इथर है, ठीक है, ये आपका इथर है, क्या चीज़ है, इथर है। और इस इथर का क्या नाम है बताइए, इथर एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे एल्कोहल एक ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कि दो वैलेंस एक साथ दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, इसमें जो है तो इसका क्या नाम है बताइए, इसका नाम जो है इसमें एक एल्किल एपॉक्सी हो जाएगा और दूसरा एल्किल हो जाएगा ना, जैसे ये आपका एथॉक्सी हो गया और ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, एथॉक्सी इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी इथेन, ठीक है, इस तरह से एथॉक्सी इथेन बन जाएगा।
अपना रिएक्ट करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो व्हाई एल्केन हैलाइड्स आर हीटेड दिस ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, देन एल्कोक्सी एल्केन्स आर ऑब्टेन, एल्कोक्सी एल्केन्स आर ऑब्टेन, ठीक है। अच्छा, जैसे हम जो है हीट ना करना चाहें, ऐसे जनरल रिएक्शन करना चाहें, यहाँ पर हाई रिएक्टिव एजेंट देना पड़ेगा ना, हाई रिएक्टिव एजेंट, सिल्वर की बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता इससे सिल्वर। अगर आपको बिना हीट किए रिएक्शन करना तो हाई रिएक्टिव एजेंट लीजिए, तो जैसे हाई रिएक्टिव एजेंट कौन है, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, ये सब हाई रिएक्टिव होते हैं, सोडियम पोटेशियम के साल्ट जो है हाई रिएक्टिव होते हैं, अगर उसको ले लीजिएगा तो आपको हीट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। खाली आप जैसे एल्केन हैलाइड को इसके कंटेंट में लाइए तो तुरंत रिएक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा बी पार्ट के इसी का। अच्छा, ये रिएक्शन क्या कहलाता है, इस रिएक्शन पे क्या नाम, क्या नाम लिखा, क्या नाम लिखा होगा, कर ले। चलिए इसके बाद सुनिए।